How to fix Vivo Y15 speaker problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा स्पीकर का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पीकर प्रॉब्लम जो है दोस्तों, आपका तब फेस करना पड़ता है तब आपका जब आपका जो है स्पीकर ख़राब हो जाते हैं हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर का इशू हो सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर आपका प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ सॉल्यूशंस कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम हार्डवेयर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपको भी स्पीकर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है, वीडियो को अंत तक देखें और जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा, आप जाके चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, जब आपका स्पीकर काम नहीं करते तो मेक श्योर कि आपका जो साउंड स्पीकर है वो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आप जो है एक बार म्यूज़िक को प्ले करके देखिए, म्यूज़िक प्ले करने के बाद भी म्यूज़िक का साउंड जो है सुनाई नहीं दे रहा है तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ करके देखिए। ठीक है, मीडिया वॉल्यूम आप दोस्तों सेटिंग पर भी जा सकते हैं। सेटिंग पर जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाइए और आपका जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड वगैरह है उनको आप जो है दोस्तों यहाँ पर ऑफ कर दीजिए। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड आपका ऑफ होना चाहिए। आप जो भी सेटिंग यहाँ पर देख रहे वो सब आप यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करें। उसको इंक्रीज़ करने के बाद आप बैक कीजिए। बैक करने के बाद डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए। रिस्टार्ट करने के सारे साथ दोस्तों चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मेक श्योर कि आपका जो हेडफोन है वो यहाँ पर ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका हेडफोन जो है आपने लगाया हुआ है, हेडफोन को रिमूव करें, आपका स्पीकर काम नहीं करेगा यदि आप हेडफोन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेडफोन वगैरह को रिमूव करें और किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है, किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ आपने यदि कनेक्ट कर रखा है तो आप जाके एक बार ब्लूटूथ को भी ऑफ़ कर दीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन। ठीक है, जाके एक बार ब्लूटूथ को भी ऑफ़ करें। ब्लूटूथ वगैरह ऑफ़ करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर वाईफाई लोकेशन सबको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों एक बार चेक कीजिए स्पीकर काम करे या नहीं कर रहे। यदि काम कर गया तो अच्छी बात है, आपका सॉल्यूशन हो चुका है। यदि अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर वो एप्लीकेशंस को चेक कीजिए जो बैड एप्लीकेशंस है। तो बैड एप्लीकेशन दोस्तों वो होते हैं जो आप प्ले स्टोर के बाहर से जो है इंस्टॉल करते हैं, तो उन सब को अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों देखेगा आपका जो स्पीकर का इशू है वो उसी के साथ फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वह बैड एप्लीकेशन जो है आपके डिवाइस को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अनइंस्टॉल करना है उन बैड एप्लीकेशन को और देखेगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आप जाइए दोस्तों रैम एंड स्टोरेज स्पेस पर, क्लीन अप स्टोरेज पर जाइए। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम यहाँ से भी क्रिएट होते हैं। आपको क्या करना है, एम्प्टी ट्रैश जो दिखाई दे रहा है क्लीन अप पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका कैश। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.60 GB कैश यहाँ पर जमा हो गया है। तो ट्रैश को जो है क्लीन अप करें। ठीक है, क्लीन अप करने के बाद दोस्तों देखिएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये करिए और रिसेंट बटन पर क्लिक करके जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सबको एक बार क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, सबके सब आपका जो रिसेंट बटन है उसमें क्लिक करके सब एप्लीकेशंस को क्लोज करें और उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो डिवाइस का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम अपडेट पर जाके अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर को भी अपडेट जरूर करें। तो इसी के साथ दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लीट इशू यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन थे सॉफ्टवेयर के लिए मैंने आपको बता दिया है, तो ये करके देखे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आपका काम बन गया है, लेकिन इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, किसी टेक्नीशियन के मदद लेना होगा। ठीक है, आप उनके पास जाइए, कस्टमर सर्विस टेक्नीशियन के पास, तो वो आपके स्पीकर का इशू को फिक्स करके दे देगा। ठीक है, तो कभी कभी हार्डवेयर का इशू भी हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन यहाँ पर करना है।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन आखिर करना क्या क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी सारा सॉल्यूशन दिया है, यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक और बार देखें, ठीक है, सॉल्यूशन को करें, सॉल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।